तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे काफी यूनिक फोन की गाइस। ये है K14888 और जैसे कि पहले की मूवीज में आपने देखे होंगे फोन, उस टाइप में कुछ देखने में लगता है। 1.8 TFT डिस्प्ले, डिजिटल कैमरा है, डुअल सुपर स्पीकर है, बिग बैटरी, सुपर बिग टॉर्च एंड ये है फोन। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर मेंशन है। अगर आप इसको ऑफिस के टेबल पर रखें, कहीं पर भी रखें, इसलिए लोग नोटिस करेंगे क्योंकि काफी अच्छा देखने में लगता है। फिलहाल चलिए बॉक्स से पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये गाइस एक टेलीफोन टाइप में फोन देखने में लगता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा मूवीज में या कहीं पर भी, उसी टाइप में। इसका चार्जर है एंड ये बैटरी है, देखिए कितनी बड़ी सी बैटरी इसके साथ हमें देखने को मिलती है। फिलहाल ये इसका एंटीना है और वारंटी कार्ड भी है एंड और देखते क्या है, इसके साथ हमें यूज़र मैनुअल भी मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैटरी से, क्योंकि बैटरी काफ़ी यूनिक लग रही है देखने में। 5000 mAh की इसकी बैटरी है, ये देखिए 5000 mAh की बैटरी है। बैटरी का वेट भी काफ़ी है। अभी ये स्क्रीन टच तो फोन है नहीं, तो ऑब्वियसली बैटरी इसका बैकअप देगी। आई थिंक 3 to 4 days का तो बैकअप को मिल ही जाएगा और बैटरी फिलहाल काफ़ी बड़ी है। और ये गाइस का चार्जर, इसके साथ हमें चार्जर भी मिलता है, ये देखिए। तो अगर हम चार्जर की क्वालिटी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का चार्जर है, माइक्रो केबल के साथ है, ये देखिए ये इसका चार्जर हो गया। और इसके साथ हमें एक्सेसरीज में बस इतनी चीज़ें मिली जो जो हमने आपको दिखाई। ये एंटीना, ये लगाएंगे फिलहाल हम अभी हम। और ये इसका वारंटी कार्ड, आई थिंक आप वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं, ये इसका वारंटी कार्ड है। बाकी ये फ़ोन है, तो चलिए फ़ोन को हम चेक करते हैं। देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी अगर हम बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए। सो अभी ये अगर आप घर पर कहीं रखें, अपने ड्राइंग रूम में रखें, कहीं पर भी अपनी डेस्क पर रखना चाहें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिलहाल ये फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, इस टाइप से कुछ स्टैंड भी हो जाता है। और गाइस में हमें कैमरा भी देखने को मिलता है, ये देखिए ये इसका कैमरा है। फिलहाल बिल्ड क्वालिटी के साथ में कैमरा भी अच्छा है, अभी हम चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मेंशन है 5000 mAh की बैटरी है, FM है, बिग टॉर्च है, स्क्रीन साइज वगैरह मेंशन है। सो अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि इसे बाय करना चाहिए कि नहीं और ये वर्थ इट है कि नहीं। अभी तक तो फिलहाल हमें इसमें सारी चीज़ें अच्छी ही लगी हैं। तो पहले हम इसका स्टिकर रिमूव कर देते हैं। ये है गाइस इसकी स्क्रीन और हम इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ कॉल वगैरह, जैसे कि फ़ोन में भी कॉल आएगी, इसमें भी कॉल आएगी, इसे भी रिसीव कर सकते हैं, फ़ोन से भी रिसीव कर सकते हैं और मैसेज इसमें भी हम रीड कर सकते हैं अगर हम कनेक्ट करेंगे जब। तो चलिए पहले इसके जो ये है इसे हटा देते हैं कवर को। और यहाँ पर हम 3 SIM लगा सकते हैं, 3 SIM स्लॉट हमें देखने को मिलते हैं। मुझे लगा था 1 या 2 होंगे, बट इसमें 3 SIM स्लॉट है और 1 memory card लगा सकते हैं। फिलहाल हमने बैटरी लगा दी है, अब इसके जो कैप इसे क्लोज कर देते हैं। और अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, म्यूजिक में प्ले कर सकते हैं आप मेमोरी कार्ड से भी, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके प्ले कर सकते हैं। तो अब हम इसका स्विच ऑन कर रहे हैं, तो अभी इसका स्विच ऑन हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं रिंगटोन्स की किस टाइप की है म्यूजिक में जब आप ऑन करेंगे प्ले हो रहा है। बाकी डिस्प्ले तो काफ़ी ब्राइट एंड क्लियर है। और अब हम इसे टेस्ट करेंगे इसके ऐप वगैरह, इसमें कौन कौन से ऐप हमें देखने को मिलते हैं। तो जो इसका फर्स्ट ऐप है वो फ़ोन बुक है, ऐसे कॉन्टैक्ट हम सेव कर सकते हैं, मैसेज है और कॉल के लिए है। बाकी और देखते इसमें क्या क्या है, मतलब कि गाइस हम डायरेक्टली से कॉल भी कर सकते हैं, फिलहाल कॉलिंग के लिए तो है ये, कॉल कर ही सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो मतलब कि एक ऐप के अंदर आपको काफ़ी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर कैलकुलेटर, कैलेंडर है और भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आप देख सकते हैं। जितना आप मतलब जाएंगे अंदर उतनी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर गेम्स वगैरह हैं, तो गेम्स देखते कौन सा है, ये देखिए। तो इस टाइप से आप इसमें गेम भी प्ले कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम हटाते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। सो गाइस जैसे कि अभी इसमें वीडियो रिकॉर्डर भी है, कैमरा भी है। तो यहाँ पर पहले हम इसका एंटीना लगा देते हैं। तो एंटीना लगाने के बाद ये देखिए काफ़ी और भी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, फिलहाल पहले से ज़्यादा। ये देखिए एंटीना इसका लग चुका है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बाकी मल्टीमीडिया है और यहाँ से हम साइलेंट एंड कर सकते हैं, वाइब्रेट साइलेंट और भी काफ़ी इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिलहाल इसमें ब्लूटूथ तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अभी तक तो देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फीचर्स की बात करें वो भी काफ़ी सही लगे मुझे। इसमें टॉर्च भी है और ये देखिए टॉर्च भी काम आने वाली है। फिलहाल इसकी ब्राइट है, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, फिलहाल ब्राइट है। अगर जब आप इसमें कोई भी नंबर ऐसा डायल करेंगे तो उसमें आपको साउंड भी सुनने को मिलेगा, इस टाइप से कुछ। बाकी अब हम इस पर कॉल करके देख लेते हैं, ब्लूटूथ से हम कनेक्ट करेंगे और कॉल करेंगे। आप डायरेक्टली सिम से भी कॉल कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए कॉल करके देखते हैं कि फिलहाल
जो इसका मॉडल है कॉलिंग के लिए ही मुझे लग रहा है, मतलब कि जैसे कि फ़ोन है तो उस टाइप से काफ़ी सही होने वाला है। तो चलिए कॉल करके देख रहे हैं अभी हम। अब इसको हम स्पीकर पर एक बार डाल देते हैं। अपनी पसंदीदा भाषा को चुनने के लिए 6 दबाएं। अपील करने का तरीका जानने के लिए 7। अगर आप कहीं पर भी बात करें उसमें आपको काफी क्लियरिटी देखने को मिलेगी। आप हैंड्री मोड में डाले हैं किसी पर भी, तो कॉलिंग के लिए काफी अच्छा है ये। हमें आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, कृपया इच्छित विकल्प का चयन करें। पोर्ट्स एंड जैक की बात करते हैं, इसमें एयरफोन जैक है, चार्जिंग जैक है और एज अ पावर बैंक भी, हम इसे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। जब आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे एज अ मिनी स्पीकर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्पीकर है वो काफी लाउड एंड क्लियर है और आप कंट्रोल भी कर सकते हैं म्यूजिक को, बाकी प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, इस टाइप से आप कंट्रोल कर सकते हैं जैसा आप करना चाहिए। देखिए अभी हम कर भी रहे हैं, अभी हम प्ले कर रहे हैं इसमें सॉन्ग, तो प्ले पॉज कर सकते हैं इजीली हम इसमें जो भी आप करना चाहें। और इस टाइप से आप स्टैंड कर दीजिए फोन को और गाने आप सुन सकते हैं जो भी आपको सुनना चाहे। तो गाइज अब चार्ज आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इस पर केबल लगा दीजिए एंड चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी इस टाइप से कुछ। तो फिलहाल मुझे इसके फीचर्स तो काफ़ी अच्छे लगे इसमें। गाइस हमें कैमरा भी देखने को मिलता है, फिलहाल ये तो नहीं कितने मेगापिक्सल का कैमरा, बट इसमें कैमरा है। तो चलिए पिक्चर क्लिक हो चुकी, कितनी तेज साउंड आया था पिक्चर का। तो पिक्चर हम क्लिक कर सकते हैं, आप साउंड ऑफ करना चाहे कर सकते हैं। क्लैरिटी और क्वालिटी तो उतनी नहीं है बट ये पिक्चर क्लिक कर लेता है, ये सही है। सो इसे बाय करना चाहिए कि नहीं? तो गाइस देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक स्टाइल है इसका अपना ही। ऑफिस में रखना चाहे, घर में रखना चाहे, हर जगह के लिए काफ़ी सही है। और कॉलिंग के लिए तो है ये, फिलहाल आप कॉल भी कर सकते हैं इसमें और वर्क भी अच्छे तरीके से कर रहा है। प्राइस का 1890 रुपये है, बाय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर। और ऐसे वीडियोज़ के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फैंसी टच को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टेक केयर एंड बाय बाय।